एक बार एक बंदे को मारा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। उसको खाली डराना था, लेकिन गलती से चेस्ट पे और पेट में लग गई ना। बाद में जैसे दारू उतरने लगा हो, जाने के बाद में वहाँ से निकला ना, तो अरे 1 महीने क्या किया, ये तो मर जाएगा शायद। खाली वो बंदे ने मुझे माफ नहीं किया। मेरा नाम राहुल जाधव, मेरे ऊपर आर्म्स एक्ट का एक केस था, MCOC का एक केस था, 307, 387, 506 सबसेक्शन 2, तो वो 7 केस थे। आज मैं एक अल्ट्रा मैराथन रनर करके जाना जाता हूँ ऑल ओवर इंडिया। अभी ये लाइफ मेरा चालू है, लेकिन 10 साल पहले ऐसे नहीं था। ऐसा लग रहा है पुलिस ने ताबा लिया है और मैं सब बता रहा हूँ। बोल कहाँ कहाँ क्या क्या किया। आया ये अभी मेरा मेन एरिया कर्मभूमि। जन्म डोंबिवली में हुआ, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। यहाँ पे क्रिकेट खेलता था और यहाँ पे दारू भी चालू की थी। पहले चुप चुप के पीते थे ना। मैं क्रिकेट खेलता था इसी दोस्तों में जो मेरे जैसे हैं ख्यालत के। उनके ऊपर छोटे मोटे केसेस थे, मतलब वर्गणी मांग रहे और फिर वर्गणी नहीं दिया तो उसको चमाट मार रहे, तो उसके ऊपर फिरौती का केस लगा। और एक बंदा था, वो क्रिकेट खेलने के लिए आता था। उसके और मेरी दोस्ती हो गई। और एक दिन मैं शाम को आया तो मेरा दोस्त बोला कि तू जा मत, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आई। चलो बंदा नहीं, क्या आपके साथ क्रिकेट खेलता था, उसको लेके उठा के लेके गई। चलो क्यों क्यों उठा के लेके गई, चलो वो गैंगस्टर था। मैं दादर में गया बोईवाड़ा कोर्ट में, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको कोई मिलने के लिए नहीं आया था, तो उसने बिरयानी दी और लस्सी दे दी मुझे और एक पर्ची दी। उसमें 00060 नंबर था मलेशिया का। उसने बोला कि सेठ को फ़ोन करो और बोल वकील दे और पैसा चाहिए थोड़ा बहुत। वो बंदे को फ़ोन किया, वो बंदे का नाम और चेहरा मैं हमेशा टीवी चैनल पे और न्यूज़पेपर पे देखता था। उसका बच्चा ही हूँ मैं, ऐसे बहुत ही रेस्पेक्ट से बात किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने जो इसे कहा वैसे मैं 10-15 लाख का हवाला किया और वकील को थोड़ा पैसा दिया। लेकिन वो बाहर आने के बाद मुझे मिला, वो बहुत खुश हो गया। उसने दिखाया मुझे सब वो चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, मुझे एक इनकम सोर्स का ज़रिया मिल गया। ये मैं 94-95 में 12th में रहूँगा। फिर एक्सटॉर्शन, हवाला और आर्म्स का डीलिंग, ये सब चालू हो गया। उसके अंडर में काम कर रहा था। पहले मैं ऐसे जाता था ना, तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स दिखेंगे ना, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। अरे वाह, ये काम चालू है इधर, ये काम चालू है, वाह 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 वाह, मतलब 1 साल भूखा नहीं रहने। वहाँ से राइट, डोंबिवली बम्बई से आउटस्कर्ट्स है, पहले गांव था, फिर धीरे धीरे बम्बई में जो लोग थे वो डोंबिवली आ रहे थे, तो डोंबिवली में कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा था। वैसे ही क्राइम बढ़ने लगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत पैसा था। This is the latest accessory for businessmen in Bombay. The wave of extortion has shaken Bombay's middle class. बम्बई में जो लोग क्राइम करते थे वो लोग पनाह लेने के लिए सबरबन में आते थे, वहाँ पे इनको जगह मिलती थी रहने के लिए, तो वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा वो तभी माहौल था। यहाँ पे मैं पैदा हुआ, 1976 से यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छी बुरी यादें, हम लोग गरीब थे, हमें जो कपड़े मिल रहे थे दिवाली को दशहरे को, वो भी एक ही तागे में दोनों भाइयों को मिल रहे थे, तो सब लोग हम लोग को बैंड वाले चिढ़ाते थे।
तो मुझे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं चाहिए था, लेकिन मैं पढ़ाई में भी पीछे था। इसके लिए मैं आगे जाने के बाद डॉक्टर इंजीनियर तो बनने वाला नहीं था। फिर उसके बाद में वो जो प्रोग्रामर्स थे सी सी प्लस प्लस जावा कर रहे थे, वो लोग नेट सर्फिंग करते थे, तभी नेट नवा नवा था, सब लोग सर्फिंग करते थे। तो बोलते थे ये दुनिया में किसी का भी चाहिए एड्रेस इधर से मिल सकता है। तो येलो पेजेस में गया, येलो पेजेस से सब बिल्डर्स डेवलपर्स फटाफट आ गए। और जिस चीज़ के लिए एक दिन लगता था, उस चीज़ के लिए एक मिनट लगता था। पिताजी ने लगाया मैंने इंटेंशन वो कोर्स किया था कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करूँगा, लेकिन मैं अलग ही एजेंसी में काम किया। उसके बाद में मैं लोगों के साथ में मैं रहा, फिर उनका मोडस ऑपरेंडी उनके साथ में रह के जाना, वो पहले खाना क्या खाते हैं, सुबह कितना बजे उठते हैं, ड्रेस क्या पहनते हैं, अलग अलग टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं। देखा कि ठंडे दिमाग वाला ज़्यादा रहता है बाहर, गुस्से वाला फटाफट अंदर जाता है और वो ऊपर भी जाता है। पहले मैं लेदर शूज़ और फॉर्मल ड्रेस और मेरा MR का बैग फार्मास्यूटिकल कंपनी का, कहाँ जा रहा है तो काम पे जा रहा हूँ, डॉक्टर्स और मेडिकल फर्स्ट क्लास का मेरा पास रहने का, तो किसी को डाउट ही नहीं आता था। अंदर मैंने मेरे बिलीफ्स इसने स्ट्रांग किए थे ना कि मैं समुंदर में से एक ही बाल्टी निकाल रहा हूँ तो तेरे को क्या नुकसान है, 1 करोड़ कमा रहा है ना, मैं 10,000 मांग रहा हूँ, गरीब को तो नहीं तकलीफ दे रहा हूँ ना, मंदिर में तो नहीं कर रहा हूँ, किसी के फैमिली के सामने नहीं किसी को हर्ट कर रहा हूँ, और ऊपर भी नहीं पहुँचा रहा हूँ ना किसको। फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, तो अभी मुझे सब रिक्रूट करना पड़ रहा था, लोगों को खुद ढूंढना पड़ रहा था काम, खुद सामान लाना पड़ रहा था, और मुझे रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलने लगा, मेरी दुश्मनी बढ़ गई, पुलिस पीछे लग गई, और फिर मेरा शहर छूट गया। एंग्जाइटी बढ़ गई, टेंशन आ गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, दारू 1 क्वार्टर के ऊपर, 2 क्वार्टर के ऊपर, 3 क्वार्टर, क्योंकि डर लगता था कि कभी भी पुलिस आके नहीं तो राइवल गैंगस्टर्स आके ठोक देंगे, और हमेशा साथ में वेपन होती थी क्योंकि एक तो मैं मरूंगा नहीं तो सामने वाले को मार दूंगा। उसके बाद चरस चालू हो गई, उसमें चरस और गांजा, घर पे स्मेल आता था ना, नशे की गोलियाँ चालू की, और उसके बाद में बाहर जाता था तो फिर अपना LSD और एक्सटेसी और स्नॉर्टिंग के लिए म्याओ। और फिर इसी दौरान कभी किसी बार में जब मैं जाता था और कुछ झगड़ा होता था तो मैं वेपन निकल के उधर ही उनको दिखाता था, इसकी वजह से सबको समझ गया, सब लोग डर गए, और मेरे साथ दोस्त लोग भी पीना छोड़ दिया मेरे साथ, ये येड़ा हो गया, ये खुद भी जमा होएगा और अपने को भी जमा कर डालेगा। जब मुझे अरेस्ट किया तो मुझे पता नहीं चलता कि मुझे अरेस्ट किया है करके, 2-3 दिन बाद मुझे नींद से जाग आई क्योंकि मैं ब्लैकआउट्स में था। बेल को पैसा, प्रोफेशनल सॉल्वेंसी को पैसा, और केस छुड़ाने के लिए पैसा, इतना पैसा तो घर पे नहीं था, तो गांव की जमीन बेची और डोंबोली में फ्लैट था तो वो गिरवी रखा, मम्मी ने थोड़े गहने बेचे और फिर इंतजाम करना चालू किया, फिर भी वो पैसा नहीं हो रहा था। तो मैंने लॉ पढ़ा, तो मैंने एक एक चार्जशीट पढ़ी और उसके ऊपर बेल एप्लीकेशन फाइल की, और सब कोर्ट में मेरा बेल पास हो गया। ये हमारा बड़े लोगों का स्कूल है शायद, मानपाड़ा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी मारते हैं ना। जेल में 3 साल था तो मेरी हार्श लैंग्वेज थी, अग्रेसिव था, वो एटीट्यूड लेके बाहर गया तो एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हुआ,
काम पे भी से लगता था कोई इंसल्ट किया, नहीं चाहिए इधर नहीं काम करने का मेरे को। और एक दिन जहाँ जहाँ पे मैं काम के लिए जाता था तो मुझे फ़ोन आता था कि आज यहाँ पे आपको आना है रूटीन पुलिस इंक्वायरी के लिए। कभी कभी जहाँ पे काम पे जाता था वहाँ पे पुलिस आती थी, वो मेरे को उठा के लेके जाती थी, फिर वो काम भी छूट जाता था। और इरिटेट हो गया, वापस मेरा एडिक्शन चालू हो गया, तो मैं पागल जैसा बर्ताव करने लगा, किसी के भी कांच फोड़ता था और फिर वो उठते थे, तो वो मुझे अच्छा लगता था कि मैं नहीं सो रहा हूँ तो ये भी नहीं सोना चाहिए। और रास्ते पे जो गाड़ियाँ थी वो फोड़ता था, तो लोग परेशान हो गए और उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया पुलिस स्टेशन में, और घर वालों को बोला गया पुलिस ने कि इसको यहाँ से निकाल दो, नहीं तो इनको हम तड़ी पार करेंगे। अप्रैल 2013 में मुझे मुक्तांगण में लाया। यहाँ पे एडमिट हो जाने के 30 दिन के बाद मैं बाहर गया और वापस पीने लगा, क्योंकि यहाँ पे सब अच्छा था, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, मैं भी मोटिवेट हो चुका था, लेकिन बाहर वैसे ही था, लोग वैसे ही मुझे देख रहे थे। इसके लिए 3-4 एडमिशन हो जाने के बाद मैं मुक्ताताई को बोला, मुक्तांगण के डायरेक्टर की, मुझे यहाँ रहना है, बाहर की दुनिया मेरे लिए नहीं है। डिस्चार्ज के लिए तो हर हफ्ते आता था, एक बार तो आता था डिस्चार्ज चाहिए। अगर मुझे नहीं छोड़ा तो यहाँ से भाग के जाऊँगा बम्बई। और इसके लिए वो ट्रिब्यूट रन था, जब मैं नशा मुक्त हो गया तो मैं बम्बई से यहाँ पे आया दौड़ दौड़ के। यहाँ पे हर एक चीज़ करने लगा, मैं बहुत गुस्से से वो सब काम कर रहा था, क्योंकि जेल में कभी मैंने खुद के बर्तन साफ नहीं किए थे, वो सब लोग से करवाता था डरा धमका के। तो यहाँ पे मैं खुद टॉयलेट साफ करता था, कमोड एकदम क्लीन होता था, क्योंकि मैं गुस्से से करता था वो। और धीरे धीरे मेरा सेल्फ टॉक वो पॉजिटिव होते गया, मुझे बहुत अच्छा लगता था काज भी साफ करने के बाद। ये साफ इतना साफ नहीं है, लेकिन मैं रहता था तो यहाँ पे बहुत काज एकदम चकाचक होती थी, क्योंकि मैंने देखा कि मैं मेरा लाइफ तो क्लीन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक काज तो क्लीन कर रहा हूँ, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट था, वहाँ पे मैं काम करता था। ये जो 1 किलो खत ये मैं घर पे दिया तो मम्मी ने एक्सेप्ट किया वो। तो पहले मैं जो कर रहा था गंदा काम, उसमें 50,000-1,00,000 मिल रहा था, वो मम्मी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये मुझे याद रहेगा पूरी लाइफ, ये मेरी कमाई है पहली। यहाँ पे जो बंदे थे उनको मैं हेल्प करता था विड्रोल्स से बाहर आने के लिए, उनकी पोटी साफ करना, उनको नहलाना, उनको खाना खिलाना वो करता था। तो वो बंदा विड्रोल में से बाहर आ जाने के बाद में उसके घर वाले उसको मिलने के लिए आते, तो वो बोलता था कि राहुल सर ने मुझे बाहर निकाला। ये मेरा कार्ड है। अच्छा लगता है, ये भी आ गया ना, यहाँ पे काउंसलर करके पोस्ट आ गई। तो इसी जगह हमें यूटी नंबर अंडर ट्रेल नंबर रहता था 6/07, तो हमारा वो पोस्ट था। अभी ये काउंसलर करके पोस्ट, तो ये आईडिया अच्छा लगता है। मुक्ताताई ने 2015 दिसंबर में मीटिंग ली, बोले कि मैराथन है January 31st को 1 महीने के बाद में, वहाँ पे पार्टिसिपेट कौन करेगा। मैं एक मैराथनर हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि लोगों ने फिटनेस के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने फटक से हाथ उठाया और बोला कि मैं रनिंग करूँगा। तो सब लोग उसको हंसने लगे, ये क्या रनिंग करेगा, हाउसकीपिंग वाला गर्दुल्ला। तो मुक्ताताई ने पूछा तुझे कुछ एक्सपीरियंस है क्या दौड़ने का, तो बोला 10 साल में मुंबई क्राइम ब्रांच से भागा। तो सब लोग और हंसने लगे, लेकिन राहुल बोला कि नहीं मुझे हिस्सा लेना ही है। राहुल ने 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया, फिर 10 से 21 किलोमीटर, फिर 42 किलोमीटर दौड़ने लगा। तो मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई, अब तक तो मुझे गर्दुल्ला, येड़ा, गैंगस्टर ऐसे नाम से ही सब बुलाते थे,
तो अभी इतने सालों बाद एक कोई तो एथलीट बोला, एक रेस्पेक्टेबल, ये मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आगे जाके एथलीट ये आइडेंटिटी लेके ही जीऊं। लोग रनिंग करते थे कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, मैं रनिंग करता हूँ हैप्पीनेस के लिए, मुझे मज़ा आता है, एक कंपनी मिलती है खुद की, तो खुद के साथ बात करते करते मैं रन करता हूँ। और मैं छोड़ना भी चाहूँ तो भी रनिंग छोड़ नहीं सकता, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, विड्रॉल चालू हो जाते हैं। ठीक है, मैं अच्छा हूँ, काउंसलर हूँ, लेकिन मुझे वो एक एथलीट करके आइडेंटिटी बहुत पसंद है। हाँ, मेरी बीवी बोलती है कि रनिंग मेरी सौतन है। ये चर्च में गए थे क्रिसमस के टाइम, ये शादी के बाद चर्च में गए थे 8 दिन के बाद, और ये गृह प्रवेश, मतलब डोंबोली गृह प्रवेश। दोनों को आ गया तो देते गया। जब मैं मेरे मुक्तांगण में एडमिट था तो जो थेरेपीज थी, 20-25 साल मैंने ये सब छोड़ दिया था, तो फिर वो मेरी क्वालिटीज बाहर आई, मुझे अच्छा लगता था ड्रॉ करते समय। मैंने बहुत से मेरे विक्टिम्स को हग किया है, सॉरी बोला है, उसमें और मेरे में अभी कुछ बचा ही नहीं है, और मुझे भी रात को नींद अच्छी आती है। कुछ विक्टिम्स है जो जिन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया है, लेकिन उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे से मेरे से ये बात ना हो। अगर वो गिल्ट मैंने रखा और आगे फिर मैं लाइफ जी नहीं सकता। गया हुआ टाइम वापस आता नहीं, मैंने नशा किया, मैंने क्राइम किया, मेरा नशा छूट गया, मुझे जेल से छुटाने के लिए मेरे माँ बाप आगे आए, मेरी शादी हो गई, मैं मुक्तागण में काम कर रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, किसी ने दी और मैंने वो ली, तो हर किसी को मौका नहीं मिलता, यही बोल रहा हूँ, जिसको मौका मिले वो फट से सुधर जाए, नहीं तो फिर टाइम चला जाएगा।